नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती। आज मैं और पांच तालों में मैं अलंकार आपको गा के बताऊंगी, उसको आप अपना स्केल में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अभी मैं जो बताऊंगी वो है ताल एक ताल। दादरा आपने लास्ट वीडियो में देखा था, वो 6 मात्रा का था, एक ताल 12 मात्रा का है। जस्ट दादरा को अगर आप डबल करेंगे तो वो एक ताल बन जाता है, मतलब 6 और 12। लेकिन क्या है कि दादरा में 3-3 का खंड है, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3। लेकिन एक ताल में 2-2 का खंड है, 1-2, 1-2, 1-2। इसको ना कभी कभी हम लोग घोड़ा गाड़ी वाला भी बंद बोलते हैं, ढिंच 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 ऐसा भी बोलते हैं। वैसे एक ताल लाइट म्यूजिक में कम ही यूज होता है, कुछ गजल्स हैं जिसमें एक ताल का यूज किया गया है, क्लासिकल म्यूजिक में ज्यादा होता है। तो अभी जो मैं गाऊंगी एक ताल में, 1-2, 1-2 वाला मैं गाऊंगी। सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा आ आ कि मैं ऐसे सा रे रे गा गा मा ऐसा गा सकती थी, लेकिन मैंने कैसे गाया, सा रे रे गा आ आ आ आ, धक्का मार मार के। तो धक्का मारने से क्या होता है, आवाज़ में गमक आता है। इसको रेगुलर प्रैक्टिस से आपके आवाज़ में एक लचीलापन आता है और एक मुर्कियाँ जो आप गले से निकलना चाहते हैं वो निकलता है। नेक्स्ट ताल है चौताल। ये एक ताल का ही बड़ा भाई है। चौताल भी क्लासिकल म्यूजिक वालों के लिए ही उपयोगी होता है। चौताल बजता है ज़्यादातर ध्रुपद गायन में और वो पखवाज में बजता है। सेम मात्राएं हैं, बोल अलग है, तो इसमें भी 2-2 का खंड रहता है। धा धा देन ता किट धा देन ता तिट गता गदि गिन सा ग रे मा गा पा मा धा पा नी दा सा सा धा नी पा धा मा पा ग म रे ग सा आ आ ताल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ताल है, वो है दीपचंदी। दीपचंदी गजल में, भजन में, फोक गीत में बहुत ही यूज होने वाला एक बहुत ही रिच ताल है। मैं रिच ताल इसीलिए कहती हूं कि इसको गाने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताली खाली का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। इसका बिल्कुल सम प्राकृतिक ताल है रूपक, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। अगर रूपक को आप समझेंगे तो दीपचंदी को भी आप समझ पाएंगे। इसका बोल बहुत प्यारा है, मतलब 3-4, 3-4 का खंड है। उसके साथ जो मैं एक बहुत सिंपल अलंकार लेने वाली हूँ वो है सारेगा सारेगामा, 3-4, 3-4 का बीट चलेगा। ये ताल अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको आगे जाके बहुत फायदा होने वाला है। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा दिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन सा रे गा मा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा गा मा पा दा मा पा दा मा पा दा नी पा दा नी पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे मा गा रे सा आ 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 इसमें बहुत अच्छे अच्छे गीतों का भी रचना हुई है। और एक बहुत ही प्यारा सा ताल है, वो है भजन या भजनी। ये ताल अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत सारे गाने आप इस ताल में कर सकते हैं, चाहे वो भजन हो, गजल हो, फोक हो।
इस ताल को आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं, 4 बीट्स का ताल है, बिल्कुल कहरवा जैसे। लेकिन कहरवा का बोल और भजनी का बोल अलग है, बीट वही है, 1 2 3 4 का बीट्स है। सा ग रे सा रे मा ग रे गा पा मा गा मा दा पा मा पा नी दा पा दा सा नी दा नी रे सा नी सा ग रे सा सा दा नी सा नी पा दा नी दा मा पा दा पा गा मा पा मा रे गा मा ग सा रे ग रे नी सा रे सा दा नी सा आ देखा आपने कि अलग अलग तालों में अलग अलग सुरों का प्रैक्टिस, अलग अलग अलंकार का प्रैक्टिस आप एक साथ कैसे कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये दोनों वीडियोस में बताई हूँ, इसको अगर आप बहुत अच्छी तरीके से 3 महीना कुछ भी मत कीजिए, ये 3 महीना ना सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ इनका प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको कह सकती हूँ आपको ज़िंदगी में कभी तालों का प्रॉब्लम नहीं होगा। सचमुच मैं कह रही हूँ, आप मेरी बात मानिए और इन्हीं को आप 3 महीना प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद 3 महीना के बाद आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैम इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, और या तो आप लिखिए कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ, मैं उसको भी मान लूंगी और उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं कहती हूँ कि ये एकदम रामवाण है, बहुत अच्छा दवाई है ताल को समझने के लिए। आप बोलने की ज़रूरत पड़ेगी क्या कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे पता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए ना, क्योंकि मैंने अभी अभी ये काम शुरू किया है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, अगर आप उनको शेयर करेंगे तो वो भी तो कुछ सीख पाएंगे, उनको भी तो इससे लाभ होगा। शेयर कीजिए, आपका कमेंट करना आप बिल्कुल भूलना मत, बिल्कुल कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वही कमेंट्स मुझे इंस्पायर करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बहुत इम्पॉर्टेंट बातों के साथ। नमस्कार।